हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द फूडी पठान में। आज हम बनाने वाले हैं नारंगी फ्लेवर वाली गुलत्ती। काफ़ी मज़े की बनती है और बनाना काफ़ी आसान है। तो आइए आपको बताते हैं नारंगी फ्लेवर वाली गुलत्ती बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। अभी आग हमारी जल चुकी है और हांडी चढ़ा दी हमने चूल्हे पर। हम बना रहे हैं 4 किलो चावल की गुलत्ती, जिसमें हमने लिए 5 किलो चीनी और 2 किलो मावा, और इसमें डाला है हमने अभी 1.5 लीटर पानी। मावे और चीनी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिलाकर इन्हें पकने देना है। यह है शाहरुख भाई जो आज खाना बनाएंगे। शाहरुख भाई, कब से बना रहे हो खाना? 9 साल से खाना बना रहे। तो आज शाहरुख भाई बनाएंगे गुलत्ती और चिकन कोरमा जयपुर स्टाइल में। मावे और चीनी को अच्छे से चलाते रहे ताकि नीचे लगे नहीं। ये हैं हमारे चावल जो हमने लगभग पिछले 2 घंटे से भिगो कर रखे हैं। आप कम से कम 2 घंटे तक इनको भिगो के रखें। धीरे धीरे पकते पकते इसमें उबाल आने लगेगा और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये वाइट से चॉकलेट कलर में ना हो जाए, यानी डार्क चॉकलेट कलर, वही गुलत्ती का बेहतरीन कलर होता है। ये देखिए क्या खूबसूरत इसमें उबाल आने लगा है, माशाल्लाह। और ये हैं वो नारंगी के छिलके जो भी हमने काटे थे, और ये अभी आ चुकी हैं लकड़ियाँ जो कि हमें कोरमे के लिए चाहिए। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका रंग वाइट से धीरे धीरे खत्ई होने लगा। इसे और अच्छे से पकाना है और तब तक पकाना जब तक इसका कलर चॉकलेटी ना हो जाए, माशाल्लाह। इसमें रंग आने लगा। इस पोजीशन में हमें इसमें डालना है पानी। 1.5 लीटर पानी हमने पहले डाला था और 1 लीटर पानी अभी हमने अभी यूज़ किया है, तो इसमें 2.5 लीटर पानी हमें यूज़ करना है 4 किलो की गुलत्ती में। इसे और अच्छे से पकाना है। ये हैं हमारे चावल जिन्हें हमने लगभग 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया है। याद रहे इन्हें 2 घंटे तक भिगोना है, उसके बाद 15 से 20 मिनट इन्हें अच्छे से उबालना है ताकि चावल अच्छे से गल जाए। अब चावलों का पानी अच्छे से निकाल लेना है और चावल को अलग बर्तन में निकाल लेने हैं। ऐसा बर्तन यूज करें जिससे पानी छनकर बाहर निकल जाए और चावल बर्तन में रह जाएं। अब हमारे चावलों को हम डालेंगे चीनी और मावे के पेस्ट में, जिसे हमने अच्छे से पका लिया और इसका रंग अच्छे से आ चुका है। अब चावल और मावे चीनी के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये है नारंगी का रस, हमने 1/2 किलो नारंगी ली थी जिसका हमने रस निकाला है, और अभी उसका यूज किया जा रहा है गुलत्ती में। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हांडी को 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। पांच से दस मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसे वापस चेक करना है और अच्छे से वापस चलाना है। अब ये पानी जो गुलत्ती में हमें नजर आ रहा है, अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये पानी ना सूख जाए, और हमारी गुलत्ती को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। इसे चेक कर लेंगे और उसके बाद इसे परमानेंट ढककर रख देंगे। ये ऑटोमेटिक पकती रहेगी, पानी बिल्कुल इसमें से खुश्क हो जाएगा। अभी गुलत्ती का पानी बिल्कुल सूख चुका है और हमारी गुलत्ती बिल्कुल रेडी है। अब ऊपर से मेवे डाल के इसे सजा लेंगे। 4 किलो चावल की गुलत्ती में हमने यूज़ किए हैं 250 ग्राम काजू और बादाम, यानी 250 ग्राम काजू और 250 ग्राम बादाम, 500 ग्राम चेरी, 250 ग्राम किशमिश और 30 ग्राम इलायची पाउडर, और इसमें डालेंगे हम 1/2 किलो देसी घी।
तो अभी बनकर तैयार हो चुकी है हमारी नारंगी फ्लेवर गुलत्ती, काफ़ी मज़े की बनी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।